एवरीवन अ वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अड्डा 24/7। मेरा नाम है सर, आप लोग जुड़ गए हैं एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेस, एग्रीकल्चर फाउंडेशन क्लासेस के एग्रोनॉमी वाले से। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ ग्राउंड नट। तो हमारे सीरियल्स कंप्लीट हो गए थे, शुगर क्रॉप्स भी कंप्लीट हो गया था, फाइबर क्रॉप्स भी कंप्लीट हो गया था, और आज हम लोग देखने वाले हैं ऑयल सीड क्रॉप्स। ओके, तो ऑयल सीड क्रॉप्स में जो पहला क्रॉप है हमारा वो है ग्राउंड नट। तो आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन है ग्राउंड नट का, उसमें क्या क्या स्पेसिफिक चीज़ें हैं, उसका बॉटनिकल नेम से लेके उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्शन टेक्निक्स, सब कुछ हम आज क्लास में पढ़ने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग आरुषि, वेलकम। तो गाइज, अगर मैं ग्राउंड नट के बारे में बात करूँ तो ग्राउंड नट या फिर जो कॉमन नेम कहते हैं पी नट, मंकी नट, अर्थ नट भी कहा जाता है अगर किसी को नहीं, ठीक है। पीनट आई गेस बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मंकी नट और अर्थ नट, ठीक है, ये दोनों नाम से भी ग्राउंड नट जाना जाता है। अब अगर मैं थोड़ा सा और इसको इसके बारे में बताऊं, जैसे इसका बॉटनिकल नेम, इसका बॉटनिकल नेम क्या कहते हैं, बॉटनिकल RHS ना, वो जो RHS हाइपोजिया है, इसमें अगेन आपको दो टाइप्स के मिलेंगे। एक है आपका RHS हाइपोजिया वेराइटी फास्टिजियाटा, और दूसरा है आपका RHS हाइपोजिया वेराइटी प्रोक्यूमेटा, ठीक है। एक आपका बंच या इरेक्ट टाइप है, दूसरा आपका स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप। अच्छा, जो हम कॉमनली कल्टिवेट करते हैं वो बंच या इरेक्ट टाइप का होता है, जिसका वेराइटी होता है फास्टिजियाटा। ओके, नाउ ये जो RHS हाइपोजिया का फास्टिजियाटा है, ओके, ये हम ग्रो ज़्यादा, एक तो इसका वजह है कि अगर आप कंपेयर करोगे स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप से, इसको कम एरिया चाहिए ग्रो होने के लिए, और साथ ही साथ इसका जो यील्ड है वो जनरली आपके स्प्रेडिंग टाइप से ज़्यादा होता है। बंच टाइप का जो यील्ड होता है वो समवेयर अराउंड 80-100 केजी पर हेक्टर होता है, और वहीं पर जब स्प्रेडिंग टाइप का यील्ड होता है वो 60-80 केजी पर हेक्टर, ठीक है। इसी तरह एक एक करके देखेंगे, जैसे कि आप लोगों को पता होगा इसका जो फ्रूट है, इसका जो पार्ट है, इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो फ्रूट है हमारे लिए जो ज़रूरी है, वो हम पॉड्स कहते हैं, राइट। काफ़ी टाइम क्वेश्चन में आया भी हुआ है कि ग्राउंड नट का सेलिंग परसेंटेज कितना है। ग्राउंड नट का सेलिंग परसेंटेज मतलब उसका जो पॉड है, पॉड में पॉड को हटाने के बाद जो हमें कर्नल्स मिलता है वो कितना मिलता है, जो वेट को हम कंपेयर करते हैं। तो पॉड से वेट का जो रेशियो होता है वो जनरली 70% होता है। इसका मतलब अगर आप 100 kg पॉड्स लेके जाओगे तो आपको 70 kg कर्नल्स यहाँ पर मिलेंगे। इसी को हम कहते हैं सेलिंग परसेंट। जिसका सेलिंग परसेंटेज ज़्यादा होगा उसमें वेस्टेज उतना कम ही निकलेगा, ठीक है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पैडी में पढ़ा था मिलिंग परसेंट, अगर आप लोगों को याद होगा, जब भी आप धान या पैडी लेके जाते हो तो उसमें से राइस या फिर जो ग्रेन है वो कितना मिलता है, ठीक है। तो 1/3 कहते हैं, ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे तो 1/3 या फिर 70% भी कहा जाता है। कुछ कुछ बुक्स में 66% ही मेंशन, ठीक है। तो आइए फटाफट जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। सेशन को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और अगर सेशन अच्छा लगे तो फिर लाइक ज़रूर कर दीजिए। हम फटाफट जो है सेशन को शेयर कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का। सो सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, अभी सही है मेरी वॉइस? थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा होगा, ठीक है, अगर तो वॉइस थोड़ा सा हल्का फुल्का ब्रेक हो रहा होगा। आई गेस अभी वॉइस सही होगा, अभी ब्रेक नहीं हो रहा होगा, ठीक है। आइए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फिर क्या क्या है आज के इस क्लास में। क्या इस ग्राउंड नट की बात करें तो ग्राउंड नट के पॉड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, और जो आपके ग्राउंड नट के ग्राउंडनट के पॉड्स कुछ इस तरह के दिखते हैं, और जो आपके ग्राउंडनट के प्लांट्स हैं वो कुछ इस तरह के दिखते हैं। जनरली इनको लाइन सोइंग किया जाता है, ठीक है, विथ प्रॉपर रो टू रो स्पेसिंग एज वेल एज प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, ठीक है। ये जो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग है ये भी मेंटेन किया जाता है और ये भी मेंटेन किया जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट स्पेसिंग देखूँ जो इस क्रॉप में मेंटेन किया जाता है, वो इसका रो टू रो स्पेसिंग है।
क्योंकि बहुत से केसेस में आप देखोगे प्लांट टू प्लांट में बहुत ही कम स्पेसिंग है, लेकिन जो उसका रो टू रो स्पेसिंग होगा वो काफी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। देखो पहले तो इसका बॉटनिकल नेम है, ठीक है, इसका जो बॉटनिकल नेम है इसको हम कहते हैं RHS हाइपोजिया। क्या कहते हैं इसको हम, इसके बॉटनिकल नेम को RHS हाइपोजिया। ओके, फैमिली की बात करें तो फैमिली यहाँ पे होगा लेग्यूमिनेसी या फैबेसी। ठीक है, फैमिली यहाँ पे क्या होगा, लेग्यूमिनेसी या फिर फैबेसी। क्रोमोसोम नंबर की बात करेंगे तो 2N = 40। ओके, क्रोमोसोम नंबर कितना है यहाँ पे, 2N = 40। ओके, ये अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ, इसका जो प्लॉयडी लेवल है, इसका जो प्लॉयडी लेवल है वो है टेट्रा प्लॉयड। क्या कितना है प्लॉयडी लेवल, टेट्रा प्लॉयड। ओके, वेरी गुड इवनिंग बोनी, वेलकम टू द सेशन। जस्ट अ मिनट गाइस, सो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें इसका जो ओरिजिन है वो ब्राजील है। ठीक है, ग्राउंडनट का ओरिजिन मुझे याद है, एक बार ऑफलाइन क्लास AFO के क्लास में एक स्टूडेंट ने गलत किया था, आई गेस चाइना बोला था। ठीक है, चाइना बोला था, तो वहाँ पे ये चाइना नहीं होगा, जो इसका ओरिजिन होगा वो होगा ब्राज़ील। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट एरिया। अब अगर मैं एरिया की बात करूँ तो वर्ल्ड में जो फर्स्ट है वो क्या है, कौन सा कंट्री है। तो देखो वर्ल्ड के, वर्ल्ड में एरिया में अगर मैं फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात करूं, एरिया मतलब कितने जगह में ग्राउंडनट के कल्टीवेशन किया जाता है, तो वहां पे इंडिया रैंक 1 पे आएगा। वहीं पे अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं वर्ल्ड में फर्स्ट, तो यहाँ पे इंडिया सॉरी यहाँ पे चाइना फर्स्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ग्राउंडनट की बात करता हूँ। ग्राउंडनट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो टाइप ऑफ फ्रूट है वो पॉड्स है। ठीक है, क्या है यहाँ पे, टाइप ऑफ फ्रूट यहाँ पे पॉड्स है। ऑयल कंटेंट की बात करूँ तो जो ऑयल कंटेंट इज 45%। ठीक है, 45% ऑयल कंटेंट होता है। ग्राउंडनट ऑयल जनरली गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सब स्टेट्स में ग्राउंडनट ऑयल को कंज्यूम किया जाता है। ओके, प्रोटीन में, प्रोटीन कितना है इसमें, 26%। ठीक है, अच्छा, एक ऑयल सीड क्रॉप जिसमें हाइएस्ट प्रोटीन होता है वो होता है सोयाबीन, जो लगभग लगभग 45 से लेके 50% तक का प्रोटीन कंटेंट होता है। उसके बाद अगर कोई क्रॉप है जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है तो वो है ग्राउंडनट, जिसमें लगभग लगभग 26% होता है। ठीक है, तो पक्का याद रखिएगा। नेक्स्ट सेलिंग परसेंटेज की बात करते हैं गाइस। जो सेलिंग परसेंटेज है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 70% है जो पॉड्स होते हैं आपके, उसको सेपरेट करने के बाद उसमें से जो कर्नल्स निकलते हैं वो होते हैं आपके सेलिंग परसेंटेज, जो कि 70% होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं गाइस मैं बात करूं, आइए बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, आई विल ट्राई यार। देखो गाइस अभी अभी ना मैं सिर्फ क्लास दे रहा हूं, आई मीन वही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं ऐसे कंडीशन में हूँ कि क्लास के अलावा मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं आपके नोट्स कुछ प्रिंट नहीं कर, मतलब मैं कुछ आपके नोट्स को कंपाइल नहीं कर रहा, मैं आपको जो पढ़ाऊँगा ना वो यहाँ है, वही चीज़ मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो अभी मुझे टू एंड फ्रो हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, माई मॉम इज स्टिल नॉट वेल, इवन लास्ट फ्राइडे को शी वेंट इन टू इवन मोर क्रिटिकल। तो अभी मैं आपके लिए कोई नोट्स वगैरह अभी मैं डायरेक्टली आपको प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, अभी मैं जो करा पाऊँगा वो है क्लास। क्लास में कोशिश, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हमेशा क्लास ले पाऊँ। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो गाइज अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन क्या रहता है। तो इसके क्लासिफिकेशन में जो मेन चीज़ रहता है वो होता है कि ये दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। ये दो टाइप की बात करूँ तो क्या है, देखो गाइज एक है इसका बंच और इरेक्ट टाइप, दूसरे की बात करते हैं तो ये है इसका स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप, स्प्रेडिंग या फिर इसको कहते हैं ट्रेलिंग। ठीक है, रेंगता है, क्रीपर होता है, क्रीपर सुना होगा ना आप लोगों ने, रेंगता है ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बंच और इरेक्ट टाइप की बात करूं तो RHS हाइपोजिया वैरायटी फास्टी। देयर
इसकी बात करूं तो RHS Hypogea variety procumbens, procumbens ओके ये दोनों चीज आपको याद रखना है इसके क्लासिफिकेशन में। अच्छा इसके क्लासिफिकेशन में एक और मेजर चीज अगर मैं बताऊं कौन सा सबसे ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है, दिस इज कॉमनली कल्टीवेटेड, आपका जो बंच टाइप है या फिर आपका जो इरेक्ट टाइप है, ठीक है, कॉमनली कल्टीवेटेड। अब कॉमनली कल्टीवेट क्यों किया जाता है, क्योंकि इसका जो यील्ड है ना वो 80-100 केजी पर हेक्टर है। कितना? 80-100 केजी पर हेक्टर, प्लस जो स्पेसिंग रिक्वायरमेंट है वो काफी कम है बंच या इरेक्ट टाइप में इन कंपैरिजन टू स्प्रेडिंग एंड ट्रेलिंग टाइप, ठीक है, क्योंकि स्प्रेडिंग एंड ट्रेलिंग टाइप में कितना ये स्प्रेड करेगा, कितना ट्रेल करेगा किसी को पता नहीं है, इसलिए इसका जो एरिया रहता है ना ज्यादा रहता है स्प्रेडिंग और ट्रेलिंग टाइप के केस में। बंच या इरेक्ट टाइप के केस में एरिया और जो आपका यील्ड रहता है वो दोनों ही कम रहता है, ठीक है। आगे अगर बढ़े, आइए बात करते हैं एक बार सोइंग के बारे में, ठीक है, एक बार सोइंग के बारे में बात करते हैं कि ग्राउंडनट का जो सोइंग है वो कब किया जाता है, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल है, आपको याद रखना है ये क्या है, ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। अगर आप खरीफ और रबी क्रॉप याद रख लोगे ना तो आई डोंट थिंक कि आप गलत हो गए सोइंग टाइम के केस में, ठीक है। इसका सोइंग टाइम की अगर मैं बात करूँ मई के लास्ट वीक से लेके जून के फर्स्ट फोर्टनाइट तक, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ मे टू फर्स्ट फोर्टनाइट, मतलब 14 days, ठीक है, पहला 14 days फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, इसके बीच क्या किया जाता है, इसकी सोइंग की जाती है। अच्छा एक और चीज है, इसका डेप्थ काफी बड़े सीड है, बहुत ज्यादा छोटे सीड तो है नहीं, ठीक है। सो इनका जो सोइंग डेप्थ है इट इज समवेयर अराउंड 5 centimeter, जनरली 5 centimeter का सोइंग डेप्थ यहाँ पर क्या किया जाता है, मेंटेन, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसका जो स्पेसिंग है, अच्छा सोइंग के बारे में तो बात कर लिया, अब सोइंग के बाद जो इसका स्पेसिंग है वो कितना होगा, दैट इज द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर मैं स्पेसिंग की बात करूँ गाइस, अगर मैं स्पेसिंग की बात करूं तो जो बंच टाइप और ट्रेलिंग टाइप दोनों का स्पेसिंग मैंने कहा था अलग है, और मैंने आपको यह भी कहा था कि बंच टाइप का स्पेसिंग कम होता है, ठीक है। तो जो बंच टाइप है इसका यहां पे 30x10 centimeter का स्पेसिंग रहेगा, मतलब रो टू रो डिस्टेंस यहां पे 30 रहेगा, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 10 centimeter, ठीक है। वहीं पे अगर आप यहां पे स्प्रेडिंग टाइप का देखोगे, स्प्रेडिंग टाइप का, तो ये यहाँ पे 45x10 centimeter का स्पेसिंग पे रहेगा, इसका मतलब 45 centimeter का रो टू रो स्पेसिंग रहेगा और 10 centimeter का प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे सॉयल, वेरी गुड इवनिंग खिरोद्री, वेलकम टू द सेशन, ओके। नेक्स्ट गाइज अगर हम लोग देखेंगे सॉयल, सॉयल किसका यहाँ पे कितना इम्पोर्टेंट है अगर मैं बताऊँ तो देखो, तो जनरली आपने देखा होगा जितने भी मेजर ग्राउंडनट ग्रोइंग एरिया है, ठीक है, चाहे वो अगर आई गेस जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में एक आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश, एक आपका ड्राई रीजन है जो अब अलग है तेलंगाना, पहले ड्राई रीजन अलग, कोस्टल रीजन अलग, और रॉयल सीमा, ठीक है, रॉयल सीमा रीजन अलग हुआ करता था, और ये जो रॉयल सीमा बेल्ट था इसमें ग्राउंडनट बहुत ही ज़्यादा ग्रो किया जाता था, मतलब किया जाता है, इनफैक्ट अभी भी गुजरात में, गुजरात के बाद कोस्टल सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट, ओके, तो इन एरियाज में ग्राउंडनट वगैरह बहुत ग्रो किया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सॉइल होता है ना ये सैंडी सॉइल होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इन स्टेट, इन स्टेट्स या फिर इन ग्रोइंग रीजन्स के बारे में, तो जनरली जो सॉइल होता है वो सैंडी लोम से लेके सैंडी सॉइल में ये क्रॉप इजीली ग्रो कर सकता है, ठीक है, किस में ग्रो कर सकता है इजीली, सैंडी लोम से लेके सैंडी जनरल सैंडी सॉइल। लेकिन मैं अगर ऑप्टिमम की बात करूँ, ओके, जो आपका ऑप्टिमम सॉइल है वो क्या होना चाहिए, ऑप्टिमम सॉइल इसका होना चाहिए सैंडी लोम, ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए सैंडी लोम। साथ ही साथ गाइस अगर मैं बात करूँ, देखो हर एक क्रॉप लगभग लगभग बहुत सारे क्रॉप में, जैसे आपका शुगर केन में पोटेशियम, आपका किसी भी तरह का KCL, ओके, जो MOP है म्यूरियट ऑफ पोटैश, वो अप्लाई नहीं करना चाहिए, रादर यू कैन गो फॉर पोटेशियम नाइट्रेट, अगर आपको पोटेशियम अप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि जो CL है वो यहाँ पे सुक्रोज की क्वालिटी खराब कर देता है, ठीक है। इसीलिए जो सॉल्ट, ओके, कोई भी सलाइन सॉइल में आप शुगर केन कल्टिवेट नहीं कर सकते, कोई भी क्लोरीन बेस्ड फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं,
ठीक है। सिमिलरली गाइस, अगर मैं ग्राउंड नट के फर्टिलाइजर्स की बात करूँ तो नाइट्रोजन के लिए हम जनरली अमोनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं, और वहीं पे अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ जनरली हम लोग सिंगल सुपर फॉस्फेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स की बात करें तो क्या है गाइस यहाँ पे, नाइट्रोजनस, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर के लिए जनरली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स क्या होता है, अमोनियम सल्फेट होता है। ओके, हेलो जनरल, वेलकम टू द सेशन अमोनियम सल्फेट। तो दूसरा अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स टॉक अबाउट एसएसपी। ठीक है, आपका सिंगल सुपर फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी जनरली ये यूज किया जाता है आपका फॉस्फेटिक फॉस्फोरस के लिए, या फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ठीक है गाइस, ये तो कुछ जनरल चीजें थी, ये तो कुछ जनरल चीजें थी। थोड़ा सा अगर हम लोग स्पेसिफिक चीजों पर जाएंगे तो एक टर्म आता है पैकिंग। ठीक है, क्या आता है पैकिंग, क्या है ये पैकिंग? देखो, हमें पता है ग्राउंड नट के पैक्स के बारे में, राइट, हमें ग्राउंड नट के पैक्स के बारे में पता है। इनफैक्ट जस्ट अ मिनट, लेट मी ऐड समथिंग। ओके, सो आप ये पिक्चर देख सकते हो यहाँ पे। ओके, ये क्या है, ये आपके ग्राउंडनट्स हैं बहुत ही इनिशियल स्टेज में, जहाँ पे ये मैच्योर नहीं। अच्छा, ये जो फूल देख रहे हो यहाँ पर आप लोग, ठीक है, अब ये जो है ट्रांसफॉर्म, ये जो सामने वाला हिस्सा देख रहे हो, ये पेटल्स झड़ जाते हैं और ये सामने वाला हिस्सा कुछ इस तरह का बन जाता है। जब ये इस तरह का बन जाता है ना, तो ये क्या करता है, ये देखो, ठीक है, ये वाले पोर्शन, तो ये क्या करते हैं, सॉइल ऑफ फ्लावर तो सॉइल के ऊपर है, लेकिन अब ऐसे बनने के बाद ये सॉइल के नीचे पेनिट्रेट करना चालू करेंगे। क्या करेंगे, सॉइल में नीचे जाना चालू करेंगे या पेनिट्रेट करना चालू करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो ये छोटे छोटे हिस्से हैं ना, इनको पेग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पेग्स कहते हैं, कील जैसे होते हैं ये, कील जैसे ठुकते हैं और अंदर जाते हैं, उसी तरह ये जब अंदर जाते हैं, इस प्रोसेस को या फिर ये एक्शन को हम कहते हैं पेगिंग। क्या कहते हैं इसको, पेगिंग कहते हैं। ठीक है, अगर मैं एक सिंपल डेफिनेशन दूं तो दिस इज नथिंग बट इनिशिएशन ऑफ पेग और इंसर्शन ऑफ पेग इनटू द सॉइल। ओके, दिस इज नोन एज पेगिंग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर आपको कोई पेग का डेफिनेशन पूछे तो आप क्या लिखोगे, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, यू कैन से इट इज अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी। जो ओवरी है वो फर्टिलाइजेशन होने के बाद ये यहाँ पे ये जो पेग है इनका फॉर्मेशन। ठीक है, इनको गाइनोफोर भी बोला जाता है। गॉट इट, आई गेस ये पोर्शन क्लियर होगा। ठीक है, देखो जनरली आपको आएगा पेगिंग का एक दूसरा चीज़ है। ओके, क्या है कि ये जो है ये क्रिटिकल स्टेज है, किसमें, इरिगेशन के टाइम। ठीक है, इरिगेशन के टाइम ये क्रिटिकल स्टेज है, और ये कितने दिन बाद आता है, 55 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, याद रखिएगा 55 डेज आफ्टर सोइंग। पेन का कलर एक बार चेंज कर लेते हैं, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज कब देखने को मिलता है, ये 55 डेज आफ्टर सोइंग। ठीक है, 55 दिन सोइंग के बाद ये स्टेज आपको देखने को मिलेगा। अब हम लोग जरा पैग के बारे में लिख लेते हैं ना थोड़ा बहुत, ताकि आप लोगों को याद भी रहे। पैग फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। ठीक है, सिंपल एक टर्म, मतलब दो वर्ड में अगर मैं बोलूं तो फिर पेग इज नथिंग बट द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ ग्राउंडनट। ठीक है, अच्छा तो पेगिंग क्या होगा, पेगिंग क्या होगा, फिर पेगिंग की बात करूं तो दिस इज द ग्राउंड, ये जो आपका फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है ये क्या करता है, ये अंदर जाता है आपके सॉइल में। ठीक है, इंसर्शन ऑफ पेग इनटू द सॉइल। ठीक है, को हम कहते हैं पेगिंग। प्रिटी सिंपल, कुछ भी इसमें कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, राइट। अच्छा, और अगर मैं देखूँ इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा आप लोगों ने सुना होगा क्या बोलते हैं, एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन। ठीक है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, अभी 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राउंड नट में ही देखने को।
आपने किसके बारे में सुना होगा, एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन, या फिर अगर उसको मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं तो उसको ग्राउंडनट रैंसिडिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? ग्राउंडनट रैंसिडिटी। ठीक है, तो कुछ कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिनको खाने में बहुत ही गंदा टेस्ट आता है, ठीक है, उसको जनरली हम रैंसिडिटी कहते हैं। जनरली जो ऑयल सीड्स होता है ना उनमें ये रैंसिड टेस्ट देखा जाता है, नॉट ओनली इन ग्राउंडनट, बाकी बहुत सारे ऑयल सीड्स में देखा जाता है, जिसमें रैंसिड टेस्ट सबसे बिल्कुल नहीं देखा जाता इन द सेंस कि जब तक उतने देर तक आप यूज़ कर लेते हो, ठीक है, वो होता है सेसमम। ठीक है, सेसमम में ओके जो आपके रैंसिडिटी है या फिर जो आपका ऑक्सीडेशन हो जाता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से उसको क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको? क्वीन ऑफ ऑयल सीड्स कहा जाता है आपके सेसमम को। ठीक है, बहुत जो इसका ऑक्सीडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं होता या फिर बहुत ही स्लो रेट पे होता है, तब तक आपका सही हो जाता है। वेरी गुड, ग्राउंडनट रैंसिडिटी। ओके, तो अगर मैं ग्राउंडनट रैंसिडिटी की बात करूं, अगर लेमैन टर्म्स में इसको क्या कहूंगा मैं, लेमैन टर्म्स में नहीं, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स में इसको मैं क्या कहूंगा, तो मैं कहूंगा एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन। नाउ व्हाट इज एफ्लाटॉक्सिन? अच्छा, एक टर्म होता है माइकोटॉक्सिन। व्हाट आर माइकोटॉक्सिन? दीज आर सम टॉक्सिन दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय फंगस। फंगस जो टॉक्सिन को प्रोड्यूस करते हैं उसको हम है माइकोटॉक्सिन। ठीक है, तो ये जो माइकोटॉक्सिन है यहाँ पे, ओके, ये जो फंगस है, ये फंगस यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन नाम का कंटेमिनेशन भी प्रोड्यूस कर। ठीक है, तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन नाम के कंटेमिनेशन, यहाँ पे आप लोग मुझे एक बार ध्यान, आप लोग तब तक कमेंट में आंसर करने की कोशिश करो, कौन सा फंगस है जो यहाँ पे एफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशन क्रिएट करता है या फिर एफ्लाटॉक्सिन रिलीज करता है, ओके, Due to fungus dash, कौन सा फंगस है वो? ठीक है, ये आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में, आपके चैट में, ओके? दूसरा है, ये इन्फेक्शन कब देखा जाता है? Observed in storage, ठीक है, याद रखिएगा, ये जो इन्फेक्शन है स्टोरेज में देखने को मिलता है। कहाँ? स्टोरेज में देखने को मिलता है ये इन्फेक्शन। ठीक है, और क्यों देखने को मिलता है? जब भी आप स्टोर करते हो एक पर्टिकुलर मॉइस्चर परसेंटेज पे स्टोर करते हो, जनरली हम देखते हैं 6 से 7, 7 से 8, ज़्यादा से ज़्यादा 11, 12, यहाँ तक। ठीक है, अगर यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा हो गया तब फंगल अटैक होता है और जिसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन रिलीज होता है, ठीक है, ड्यू टू हाई मॉइस्चर कंटेंट। गॉट इट? ओके, नाउ अगर मैं इसके कंट्रोल के बारे में बात करूँ, इसके कंट्रोल के बारे में बात करूं, तो यहां पे हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे इसको कंट्रोल कर कंट्रोल जो मॉइस्चर परसेंट है, मॉइस्चर शुड नॉट एक्सीड कितना? 8% से ज्यादा नहीं होना चाहिए मॉइस्चर। मॉइस्चर अगर 8% से ज्यादा नहीं होगा तो रैंसिडिटी भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एस्परजिलस, बबीता बता रही है एस्परजिलस, बट एस्परजिलस व्हाट? एस्परजिलस कौन सा स्पीसीज है ये भी तो आपको बताना है। एस्परजिलस फ्लैबस, क्लियर? ओके, नेक्स्ट गाइज हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हमारा ग्राउंडनट रैंसिडिटी के बारे में। अच्छा, पॉपिंग का नाम सुना है? ग्राउंडनट में एक और चीज है, दैट इज नोन एज पॉपिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पॉपिंग? क्या होता है ये पॉपिंग? देखो, ग्राउंडनट में क्या होता है, पॉड्स में कर्नल फॉर्मेशन होता है, राइट? पॉड्स में कर्नल फॉर्मेशन। अगर कैल्शियम की कमी होती है या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी होता है तो ये जो कर्नल्स है ये प्रोड्यूस नहीं होते हैं या फिर ये फॉर्मेशन नहीं होता। कभी कभी आपने भी देखा होगा कुछ कुछ पॉड्स ऐसे होते हैं जो खाली होते हैं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है। जब आप उसको प्रेस करते हो कर्नल के लिए तो वो पिचक जाता है और ऐसे साउंड होता है, पॉपिंग का साउंड आता है। ठीक है, हल्का सा पॉपिंग साउंड आता है, तो इसीलिए इसको कहते हैं पॉपिंग। ठीक है, ये किस लिए होता है? कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। कर्नल्स आर नॉट फॉर्म्ड। जो आपके कर्नल्स होते हैं, जो आपके ग्राउंड नट होते हैं, ओके, वो जो नट्स होते हैं वो उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ। गॉट इट? अच्छा, इसको सही कैसे करोगे?
सही आप कर सकते हो जिप्सम के एप्लीकेशन से। जिप्सम के एप्लीकेशन से कैसे? सर जिप्सम तो हम अप्लाई करते हैं अल्कैलाइन सॉइल में। देखो जिप्सम में CaSO4.2H2 होता है। आज जब OPSC का सॉइल साइंस क्लास हो रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि CFSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। आप इसको एक कैल्शियम फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ कर सकते हो, साथ ही साथ एक सल्फेट के फर्टिलाइजर के रूप में भी यूज़ कर सकते हो, किसी के रूप में भी यूज़ करो इसको। जिप्सम को एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और सल्फर मिलता है जो कि दोनों ही दोनों सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं। कैल्शियम और सल्फर के साथ साथ मैग्नीशियम भी एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसको सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में क्लासीफाई किया गया है। इसके बाद आपके बोरॉन, देन यू हैव जितने भी हैं लाइक बोरॉन हो गया, मैंगनीज हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब जितने भी आप देखते हो एलिमेंट्स या न्यूट्रिएंट्स, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो गाइस, CaSO4.2H2O या फिर जिप्सम इज अप्लाई, ठीक है। कैल्शियम के क्या? कैल्शियम के डेफिशिएंसी के। ओके नेक्स्ट। दूसरा अगर देखेंगे तो यहाँ पे गाइस एक और चीज होता है ग्राउंड नट में, डोरमेंट सी। अगर मैं बोलूंगा ग्राउंड नट सीड्स में ना डोरमेंट सी होता है, फिर आप बोलोगे कि हमने तो ग्राउंड नट देखा है लोगों को हार्वेस्ट करने के बाद अगले सीजन में फटाफट सोइंग करते हुए, तो डोरमेंट कब हुआ? मैं आपको बता, जो आपका बंच टाइप है जो जनरली हम ग्रो करते हैं वो नॉन डोरमेंट डोरमेंट होता है, ठीक है। याद रखिएगा, बंच टाइप या फिर जो आपका इरेक्ट टाइप है जनरली वो नॉन डोरमेंट होता है। इसका मतलब उनमें कोई डोरमेंसी स्टेज नहीं होता है, कोई डोरमेंसी पीरियड नहीं होता। वहीं पे जो स्प्रेडिंग या ट्रेलिंग टाइप है वो डोरमेंट होते हैं, ठीक है। और ये डोरमेंसी, ये जो इनका जो डोरमेंसी पीरियड है, ये लगभग लगभग 2 से 2.5 महीने तक रहता है, ठीक है। क्या होता है? 2 से लेकर 2.5 महीने तक रहता है। अच्छा, इतना बात तो हम लोगों ने कर ली डोरमेंसी के बारे में। व्हाट एग्जैक्टली इज डोरमेंसी? डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव पीरियड और रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। इनएक्टिव पीरियड और रेस्टिंग पीरियड जहाँ पे प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव एबिलिटीज काम नहीं करता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डोरमेंट, ठीक है। तो ये जो डोरमेंसी पीरियड है, क्या इसका मतलब 2 से 2.5 महीने से पहले हम सोइंग नहीं कर पाएंगे? जी नहीं, सोइंग कर पाएंगे। कैसे? अगर हम डोरमेंसी को तोड़ दें, इफ़ यू ब्रेक द डोरमेंसी, देन इट कैन बी शोन बिफोर 2 to 2.5 months। जो आपका आपका 2 to 2.5 months का यहाँ पे डोरमेंसी है, उससे पहले आप सोइंग कर सकते हैं। कैसे तोड़ोगे आप डोरमेंसी? आप टेम्परेचर की मदद से डोरमेंसी तोड़ सकते हो, हाई टेम्परेचर की मदद से, आप केमिकल की मदद से भी तोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये दो जनरली ये दो ऐसे मेथड्स हैं जो अडॉप्ट किए जाते हैं। तो आइए थोड़ा सा डोरमेंसी के बारे में पहले लिख लेते हैं और फिर इसके बारे में फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डोरमेंसी, तो टॉकिंग अबाउट डोरमेंसी, यहाँ पे क्या होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कौन से प्लांट्स होते हैं जो डोरमेंट होते हैं। पहले तो बंच टाइप के बारे में लिख लेते हैं। बंच टाइप आर नॉन डोरमेंट, ठीक है, डोरमेंट नहीं होते। वहीं पे अगर हम स्प्रेडिंग टाइप के बात करें, अगर हम स्प्रेडिंग टाइप के बात करें तो इनका जो डोरमेंसी का पीरियड है वो 2 से लेकर 2.5 months के लिए रहे, 2 to 2.5 months डोरमेंट, ठीक है। कैसे सही कर सकते हो? सही कर सकते हो बाय हाई टेम्परेचर एंड केमिकल, ठीक है। कैन बी ब्रोकन बाय हाई टेम्परेचर एंड, और क्या चीज है यहां पे? केमिकल्स, क्लियर? ओके अच्छा, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए यूज हो? आप लोग ना जनरली कुछ कुछ याद रखना, जैसे NAA, IAA बहुत ही कॉमनली यूज केमिकल्स हैं जिनको यूज किया जाता है, ठीक है। NAA, IAA जनरली 5 से लेकर 10 PPM तक यूज किया जाता है ताकि जो डोरमेंसी है इसको तोड़ा जा सके, ठीक है। और NAA और IAA का फुल फॉर्म क्या है? नैप्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। इसके अलावा एक और चीज है, इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। क्या है? इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन। अच्छा, कितना यूज किया जाता है? अगेन ये भी तो एक क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको जो यूज़ किया था एट द रेट ऑफ 0.07, ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो डॉर्मेंसी होता है वो यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा गाइज अगर आप लोग देखोगे तो जो आपका डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट है वो तो यहाँ पे कौन पढ़ाएंगे, डिजीजेस आपको पढ़ाएंगे, आई गेस डिजीजेस और इंसेक्ट पेस्ट दोनों ही हीना मैम पढ़ाएंगी, ठीक है। ग्राउंडनट के केस में बर्ड नेक्रोसिस एक मेजर डिजीज है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इसको जो ट्रांसमिट करता है इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो वायरस है, ठीक है, वो यहाँ पे थ्रिप्स होता है, ठीक है। वायरस थ्रिप्स नहीं है, मतलब वायरस को ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो वेक्टर, ठीक है, वेक्टर कौन होता है, थ्रिप्स होता है। और अगर मैं इंसेक्ट के बारे में बात करूँ तो आप लोगों ने आई गेस देखा भी होगा वाइट ग्रब, ठीक है, क्या होता है, वाइट ग्रब होता है जो कि एक मेजर इंसेक्ट पेस्ट है ग्राउंडनट क्रॉप में, ठीक है। एंड जैसे जिंक डेफिशिएंसी की वजह से खायरा डिजीज होता था, वैसे ही ग्राउंडनट क्रॉप्स में लीव्स येलो हो जाते हैं ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, लीव्स येलो हो जाते हैं ड्यू टू आयरन डेफिशिएंसी, ओके। तो ये याद रखिएगा। और एक और चीज़ है यहाँ पे, जनरली पूछा जाता है ऑयल सीड केक और एनिमल एक्सक्रीटा से जो केक्स बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो ऑयल सीड केक है ग्राउंडनट का, उसमें नाइट्रोजन का परसेंट याद रखिएगा दैट इज 7.3। तो आई गेस एक सम अप हो गया पूरा का पूरा आपका जो ग्राउंडनट क्रॉप है उसके बारे में, ओके। सर माँ पापा जी कैसे हैं अभी, हाय प्रिया, मम्मी पापा तो ठीक हैं, मम्मी अभी भी हॉस्पिटल में, लास्ट फ्राइडे को हमारा एग्रीकल्चर 50 के सब्सक्राइबर्स हो गया, मम्मी डिस्चार्ज हो गई थी मॉर्निंग में, सो आई वाज सो हैप्पी। एंड इवनिंग को फिर से आफ्टरनून में फिर से उनकी कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल हो गई, तो अभी मैं कम से कम और एक हफ्ता यहाँ रुकूँगा, उसके बाद ही तो वापस। सो गाइज ये था आपका ग्राउंडनट का पोर्शन, ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखिएगा, ओके। एंड मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो राजस्थान प्री पीजी एंट्रेंस एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने एग्रीकल्चर कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, इसका एक अलग सा है, मैं आपको अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर दिखा देता हूँ, ठीक है। उसको हम लोगों ने लॉन्च किया है ओनली फॉर राजस्थान प्री पीजी एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं देन मेक श्योर कि आप उस क्या बोलते हैं, आप उस कोर्स को एक बार चेक करें, ओके। एंड इफ़ यू फील लाइक यू कैन एनरोल इन द कोर्स, ठीक है। तो आइए मैं एक बार आपको उसको दिखा देता हूँ, आपको जाना है adda247.com पे, और जैसे ही आप adda247.com पे जाते हैं यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं एग्रीकल्चर। जब आप एग्रीकल्चर सर्च करते हैं यहाँ पे तो आपको सब कुछ मिल जाता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो AFO का इंटरव्यू प्रिपेरेशन बैच है जिसका इंटरव्यू कल से स्टार्ट हो रहा है। मैं इसमें पैनल्स होंगे, हमारे पैनलिस्ट होंगे, ठीक है, इनके साथ मैं भी रहूँगा वहाँ पे प्रोफेशनल इंटरव्यू के लिए, ठीक है। दूसरा अगर आप लोग देखोगे, जस्ट अ मिनट, दूसरा अगर यहाँ पे आप देखोगे ये आपका एग्रीकल्चर फाउंडेशन कोर्स है और साथ ही साथ राजस्थान JET प्री पीजी एग्रीकल्चर वीडियो कोर्स। तो इसमें आपको राजस्थान प्री पीजी से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सब कुछ मिलेंगे। वैलिडिटी इसका 12 मंथ्स रहेगा और एग्रीकल्चर फाउंडेशन कोर्स से इसकी प्राइस थोड़ी सी कम है क्योंकि यहाँ पे वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप Y291A कोड का सिर्फ Y291 कोड का यूज़ कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पर आपको Y291 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे 3679 में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था गाइज, नेक्स्ट कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोयाबीन के बारे में, ओके, मेक श्योर यू डोंट मिस द क्लास, ओके, सेम एट 5 PM, ओके। थैंक यू सो मच आरुषि, थैंक यू सो मच प्रिया, ओके, चलो सो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड प्लीज 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 स्टे DDO एवरी स्टूडेंट्स दे सकते हैं क्या सर? हाँ दे सकते हैं, DDO के अलग अलग पोस्ट होते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। जैसे DDO का हॉर्टिकल्चर स्पेशलिस्ट ऑफिसर निकलता है तो एग्रीकल्चर वाले भी उसको दे सकते हैं, हॉर्टिकल्चर वाले भी उसको दे सकते हैं, एग्रीकल्चर अलर्ट उसमें मेंशन रहता है, ठीक है। DDO का एक सेशन हुआ है, आप एक बार सर्च कर सकते हैं एग्रीकल्चर अड्डा पे जाके, ओके,
सर एनालिसिस सेकेंड शिफ्ट की क्लास नहीं चल रही है प्रिया, एक बार एसएससी अड्डा पे चेक कीजिए, वहाँ पे चल रहा है, एक बार देख लीजिए। साथ ही साथ थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस भी स्टार्ट हो गया होगा, ठीक है। जितने भी आईसीआर आईआर रहेगा एस्पिरेंट्स है, प्लीज़ गो अहेड और पूरा का पूरा जो एनालिसिस है, ठीक है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड प्लीज स्टे।